मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 का आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सारणी। इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ये हमें सारणी दिया था इक्वल टू 0 और हमें सिद्ध करना है सीपीजे की ए बी सी समानांतर श्रेणी में होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा पहला टारगेट होता है क्वेश्चन में कि उसको ऑपरेशन लगा के इजी बनाया जाना है। जैसे कि मैंने लिया था आर टू चेन आर टू माइनस आर, यानी कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करें, आर थ्री माइनस आर टू, आर थ्री में चेंज करेंगे आर थ्री में से आर टू को माइनस कर देंगे, तीसरी रो में से दूसरी रो को माइनस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ आर वन में कोई चेंज नहीं है तो आर वन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये आर वन है, ये रहा। अब माइनस कैसे करेंगे, देखिए ये है आर टू, आर टू में से आर वन को माइनस करना तो एक्स प्लस टू में से इसको माइनस कर दिया एक्स प्लस वन को, तो एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए। बिल्कुल ऐसे ही आर थ्री माइनस आर टू बनेंगे, आर थ्री हमारी कौन सी है, ये इसमें से ये घटाना है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस ये प्लस का इसमें माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b। अब इसको हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने एक और इसको लगा दिया c1 चेंज c1 माइनस c2, पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस कर दिया क्योंकि हमको अंदर जब वन वन दिखाई दे रहा तो हम दो जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इसका ऑपरेशन खोलने में हमें आसानी हो। तो हमने एक्स प्लस वन में से एक्स प्लस टू बढ़ा दिया, माइनस वन आ गया, वन माइनस वन का जीरो आ गया, वन माइनस वन का जीरो आ गया, बाकी सी टू और सी थ्री जितने टू हैं अब हम सी वन के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। सी वन के सापेक्ष विस्तार करने पर हमने माइनस लिया, माइनस का वन ये कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल होगी, इसकी इंक्रीज होगी वन इंटू सी माइनस बी, या सी माइनस बी, फिर बीच में माइनस वन इंटू बी माइनस ए, जो आगे बी माइनस है, माइनस जीरो बाकी जीरो है, मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये माइनस वन अकाउंट में जीरो निकल जाएगा क्योंकि इक्वल टू जीरो दे रखा है, लेके चले गए। तो यहाँ पे हमारा आ गया सी माइनस बी माइनस बी, तो ये हो गया c प्लस ए माइनस बी दो बी हो गया, c प्लस ए इक्वल टू दो बी आ गया, दो बी इक्वल टू c प्लस ए, इसका मतलब है ए बी सी समानांतर श्रेणी में होंगे क्योंकि ये कंडीशन समानांतर श्रेणी की होती है जिसमें बीच वाले पद का डबल पहले और तीसरे नंबर का टोटल आ जाता है, उनको हम समानांतर श्रेणी में बोलते हैं। अब इसका अगला मार्ग आता है, अगर कोई ट्रायंगल दे रखा ए बी सी, इस त्रिभुज के सारे हमारे को दे दिए फोल्ड दे तीनों कोणों के ए के बी के सी के और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सारणिक से 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इस बार में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ए बिंदु पे हो गया और बी बिंदु ये हो गया, ये ए बिंदु ये बी बिंदु, इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो निकालना है सारणिक से इस तरीके से निकालते हैं एक्स वाई एक एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू एक बराबर जीरो। एक तीसरी कंडीशन है यदि बी बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा, तो उसमें तीन बिंदु संरेख होने का मतलब एक लाइन में है, तो हम इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर उसका आंसर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है तीनों बिंदु संरेख होंगे। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल बताएंगे आपको, आप इस प्रकार को याद करिए और इसके बचे हुए क्वेश्चन करिए 4.2 के। थैंक यू।